बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एमली फाउंडेशन, जो कि क्लेम करते हैं ये फुल कवर फाउंडेशन होता है, जो आपको फुल कवरेज देता है और 24 आवर्स स्टे करता है। अक्सर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, वो कहती है कि हमारी कुछ ही आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद या कुछ ही टाइम बाद ही हमारी फाउंडेशन जो ख़राब होना शुरू हो जाती है, लॉन्ग स्टे नहीं होती। तो एमली फाउंडेशन अपने साथ ये आप लोगों को रिकमेंड करता है कि ये आपको लॉन्ग वेयर फाउंडेशन देगा और फुल कवरेज के साथ, यानी कि आपको कंसीलर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स हैं फेस पे, आपके अंडर आइज में डार्क सर्कल्स हैं या कोई भी पिगमेंटेशन है, उसको ये फुल कवरेज देगा। लॉन्ग स्टे है, 24 आवर्स का स्टे है, फुल मैट में है, शाइन वगैरह नहीं है। ये फाउंडेशन आपको इस तरह की पैकिंग में मिलती है, पैकिंग भी इसकी बहुत खूबसूरत है। और इसमें आपको मिलते हैं दो शेड, दोनों आपको दिखा देते हैं। एक इसका है ये शेड नंबर 2 और इसका शेड नंबर 1, शेड नंबर 1 एंड शेड नंबर 2, 6-in-1 बेनिफिट्स के साथ, 6 डिफरेंट बेनिफिट्स। एक तो आपको फुल कवरेज दे रहा है, एक आपको फुल कवरेज दे रहा है, और इसके यहाँ पे इसका ये है शेड नंबर 1, ये शेड नंबर 1 है 101, और ये इसका शेड नंबर 2 है 102। ये एमली फाउंडेशन जो है वो चाइना की मेड इन होती है, मेड इन चाइना, चाइना की मेड इन होती है, और यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह भी मेंशन होती है। ये इसका शेड नंबर 1 है, इसका स्वेच दिखा देते हैं और फिर चेक करते हैं कि लॉन्ग वेयर है, फुल कवरेज है कि नहीं। अमेज हाथ पे थोड़ी सी वेंस वगैरह आ रही है और इसका आपको कोई मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये इसका शेड नंबर 1 और इसका शेड नंबर 2। शेड नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा येलो बेस पे है, येलो बेस आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा येलोइश है, और ये थोड़ा सा पिंकिश है, जैसे पिंक बेस लगाते हैं ना, ये उस टाइप का। ये थोड़ा सा पिंक बेस में आ रहा है, पिंक फॉर्म में, और ये येलो, ये दोनों ही शेड मेरी स्किन से मैच करेंगे। ज़्यादातर शेड नंबर 2 सूट कर रहा है, लेकिन फेयर वालों पे 1 जाएगा और मेरी स्किन टोन जो फेयर टू मीडियम होते हैं उन पे 2 जाएगा। आप दोनों ब्लेंड करके मिक्स कर लेते हैं, चेक करते हैं ये फुल कवरेज देती हैं कि नहीं देती, लॉन्ग वेयर है कि नहीं है। लॉन्ग वेयर चेक करने का एक आसान तरीका होता है कि हम इसे वाटर स्प्रे करके देखेंगे। अगर ये वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये लॉन्ग स्टे हो जाएगा। ज़्यादातर जो फाउंडेशन होती है वो कहा जाता है ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, वही थोड़ा लॉन्ग स्टे करती है। लेकिन वाटरप्रूफ फाउंडेशन के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अगर अच्छे से उनको साफ ना किया जाए तो वो आपको क्लॉक वगैरह जमा देती है। इसका फुल कवरेज दी है इसने, मेरी वेंस भी काफ़ी हद तक हो गई हैं और काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर है, स्किन टोन से मैच कर रहा है। अब इसको थोड़ी देर हम छोड़ते हैं और फिर इस पर स्प्रे करके देखते हैं। इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी टेक्सचर है और इजीली ब्लेंड हो गया, बहुत ज़्यादा इसके रफ, ये हार्ड नहीं है कि आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम, ब्लेंडिंग इसकी अच्छी है। अब इस पर स्प्रे करके देखते हैं, फिर बताओ। इस तरह जब फटी फटी होती है तो इससे आइडिया होता है कि यहाँ पे ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं दे। ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं दे रही, और आप इसको मिक्स करके चेक कर सकते हैं ये आपकी फाउंडेशन को रिमूव नहीं कर रही। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है और इसका कवरेज बहुत कमाल किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये एमडी के फाउंडेशन इनका ही कन्वीनियंट प्राइस में होती है, आपको मार्केट से बासानी 750 में मिल जाएगी, कहीं 750-850 इसकी यही मैक्सिमम रेंज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।